अब आपको सीधे राजधानी जयपुर ले चलते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन चल रहा है। क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। हिम्मत चाहिए। आज अगर इनमें से कोई नेता खड़ा होकर कह दे कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना, इनके परिवार वाले भी वोट नहीं देंगे, उनको भी पता है इसने कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मुझे बेहद दुख होता है, 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा, वन इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, वन नेशन, 1000 इलेक्शन, आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? वन नेशन वन इलेक्शन हो चाहे वन नेशन 20 इलेक्शन हो चाहे वन नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। वन नेशन वन इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। अरबपति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की होगी। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। चाहे गरीब का परिवार हो चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर, तब हमारे को फायदा होगा। हमारे को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होगा, बताओ? गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बहुत सोचा ये वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है, उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर छठे महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5000 रुपए का मिलेगा, ये सोच लेना। 5000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी, 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये घूमेंगे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे, हमारे को शक्ल नहीं दिखाएंगे ये। इंडिया में तो 5 साल बाद ही आएंगे फिर ये। तो वन नेशन, हर साल 4 बार चुनाव, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए, हर साल 4 बार चुनाव होने चाहिए। कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। शक्ल दिखाने तो आएंगे, कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए। तो मेरा नारा है वन नेशन 20 इलेक्शन, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमें ये गारंटी की बात क्यों करनी पड़ी? हमें इसलिए करनी पड़ी 2014 का जब चुनाव था, इन्होंने आके बोला 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे। जनता बेचारी भोली भाली, जनता बेवकूफ बन गई, जनता ने दे दिए, सबने खाते भी खुलवा लिए सब लोगों ने। एक एक परिवार में 6-6 लोग, लोगों ने सोचा 6 लोग हैं, 15-15 लाख 90 लाख रुपए आ जाएंगे। खाते भी खुला लिए लोगों ने, कुछ नहीं आया। बाद में फिर अमित शाह जी से पूछा, बोले ये तो चुनावी जुमला था। बोला था ना कि बोल नहीं बोला? बोले जी चुनावी जुमला था। हम चुनावी जुमले नहीं करते, हम ये मैनिफेस्टो फेनिफेस्टो नहीं करते। ये केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल मर जाएगा लेकिन केजरीवाल अपनी गारंटी पूरी करेगा। तो आज राजस्थान के लोगों को 6 गारंटी देके जा रहे हैं।
ये छः की छः गारंटी पूरी करेंगे और ये पूरी करके आए हैं दिल्ली में, पंजाब में। अगर विश्वास नहीं हो, आपके दोस्त होंगे, यार दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, दिल्ली में होंगे, पंजाब में होंगे, उनसे बात कर लेना फोन करके, ठोक बजा के। अगर एक भी आदमी कह दे केजरीवाल ठीक से काम नहीं कर रहा, एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ठीक से काम नहीं कर रहा, वोट मत देना हमको। फोन करके पूछ लेना, अगर जनता कह दे भाई केजरीवाल ठीक से काम कर रहा है, भगवंत मान ठीक से कर रहा है, राजस्थान वालों हमको एक मौका दे देना, एक मौका दे देना। तो पहली गारंटी है बिजली की। बिजली आती है कि नहीं आती है? मेरे को पता चला 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं, आती नहीं है बिजली। बिल आते हैं बस बिजली नहीं। 7,000 का बिल आया, बताओ भाई साहब, 7,000 रुपए का बिल आते हैं, बिजली नहीं आती। पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब लोगों ने दिल्ली के अंदर जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। पंजाब तो अभी 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल पहले के पंजाब से पूछ लो कितने लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। खबरों में आगे बढ़ते हो और बड़ी खबर आ रही है।